हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम मज़ेदार रेसिपी, खस्ता पापड़ी चाट। तो इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देखिए कि खस्ता कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद इसको मैं इमली के पानी में इस तरीके से डिप कर दूंगी। इमली की चटनी ली और पानी उसमें डाल दिया, बस उसको मिक्स करके पतला पेस्ट बना लिया। फिर इसमें इसको डिप कर लिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉपिंग्स इस तरीके से डालूंगी। प्याज डालना है आपको, आलू डालना है, आपके पास जो भी है वो आप इसमें डाल दो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम मटर, अगर मटर है आपके पास आप मटर डाल सकते हैं, नहीं है तो ना डालें। उसके बाद इसमें से टमाटर डाल दूंगी, बारीक बारीक सबको काट काट के इसमें डाल देना है। धनिया पत्ती डाल दो, इस तरीके से प्याज डाल दो। उसके बाद अगर आप चाहें तो अब इसमें मिर्ची और नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मीठा बना रही हूँ इसलिए मैं मीठी चटनी, इमली की चटनी यूज़ की हूँ। इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें दही डाल दो, हल्का इस तरीके से दही डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दो और ऊपर से टॉपिंग्स के लिए थोड़ा सा सेव, जो भी 5-10 रुपये का पैकेट आता है उसको लेके इसमें डाल देना है, बस बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए बनकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये फाइनल रिजल्ट है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसमें नमक मिर्ची ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।